बी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। महाराष्ट्र विधान परिषद में उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे ने पुणे मनपा में भगवा लहराने का विश्वास जताया। कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के हित में काम कर रही है, सामाजिक कार्य प्रशंसनीय है। यूपी के वाराणसी की रहने वाली 23 साल की एक युवती ने एक ढोंगी बाबा पर इलाज करने के बहाने यूपी से मुंबई बुलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उधर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की जासूसी की खबर के बाद बीजेपी नेता और प्रवक्ता राम कदम ने महाविकास आघाड़ी सरकार को आड़े हाथ लिया है। तो दूसरी तरफ विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने लखीमपुर खीरी हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करने पर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार पर नाम लिए बिना ही निशाना साधा। कहा, भूल गए मावल। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना की दशहरा रैली सायन के षणमुखानंद हॉल में आयोजित होगी। इस मौके पर वे शिवसेना के नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। राज्य में अगले वर्ष मनपा का चुनाव होगा, इसे देखते हुए जिले में सभी राजनीतिक नेताओं का दौरा जारी है। कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत करने के साथ ही पार्टी का कार्य जनता तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार होने के कारण क्या तीनों दल एक साथ मिलकर मनपा चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र विधान परिषद में उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे ने पुणे मनपा में भगवा लहराने का विश्वास जताया है। गोरे ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी राज्य में शिवसेना के मुख्यमंत्री है। आने वाले मनपा चुनाव में मुंबई के साथ पुणे भी भगवा लहराएगा। पिछले 1.5 से 2 वर्षों से राज्य सरकार नागरिकों के हित में काम कर रही है, इसके लिए तमाम शिव सैनिकों को खड़ा किया गया है। सामाजिक कार्य प्रशंसनीय है। शिवसेना पुणे पर्वती निर्वाचन क्षेत्र के विभाग प्रमुख अमोल रास्कर द्वारा आयोजित घरघुती गौरी गणपति सजावट स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसी मौके पर गोरे बोल रही थी। दुर्गा माता मंदिर इंदिरा नगर बिब्वेवाड़ी पुणे में संपन्न हुए इनाम वितरण समारोह में क्षेत्र के शिवसेना पदाधिकारी, युवा सैनिक, परिसर के नागरिक, महिला बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यूपी के वाराणसी की रहने वाली 23 साल की एक युवती ने नाला सुपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाले एक ढोंगी बाबा पर इलाज करने के बहाने यूपी से मुंबई बुलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। युवती की माने तो मीरा रोड में रहने वाली उसकी बहन ने उसे नाला सुपारा में रहने वाले ढोंगी बाबा का नंबर ये कहकर दिया था कि बाबा के झाड़ फूंक से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जब पीड़िता ने बाबा के नंबर पर फोन लगाकर बात की तो बाबा ने युवती को मुंबई आने का न्योता दिया। पीड़िता की मां ने तो बाबा ने उसे फ्लाइट का टिकट निकाल कर दिया और कहा कि उसे मुंबई एयरपोर्ट पर उसके पिता लेने आएंगे। बाबा की बातों पर भरोसा कर युवती अपना इलाज कराने के लिए मुंबई आ गई। मगर यहां आने के बाद बाबा ने इलाज करने के बहाने पहले उसका शारीरिक शोषण किया, उसके बाद उसका धर्म बदलवा कर उससे शादी कर ली। पीड़िता की माने तो ढोंगी बाबा पहले से शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे हैं। जब भी युवती बाबा का विरोध करती या यूपी में अपने परिवार वालों से बात करने को कहती तो बाबा और उसकी पत्नी उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा देता था। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कल सोमवार को महाराष्ट्र डीजीपी से मुलाकात की और आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी उन पर नजर रख रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। बता दे कि समीर वानखेड़े हाई प्रोफाइल क्रूज जहाज ड्रग्स प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस सक्रिय हो गई है। तो दूसरी तरफ एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की जासूसी की खबर के बाद बीजेपी नेता और प्रवक्ता राम कदम ने महाविकास आघाड़ी सरकार को आड़े हाथ लिया है। कदम ने सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र सरकार के नेताओं को अब यह जानकारी भी चाहिए कि समीर वानखेड़े कहां जा रहे हैं, किस पर रेड करने वाले हैं, ताकि महाराष्ट्र सरकार ड्रग माफियाओं तक यह जानकारी पहुंचा सके। आखिर ड्रग माफिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लगते क्या है, उन्हें बचाने के लिए सरकार क्यों इस हद तक जा रही है। राम कदम ने कहा कि नेताओं की आपराधिक गठजोड़ सामने आने लगी है तो वे बिलबिलाने लगे हैं।
विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने लखीमपुर खीरी हिंसा की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से करने पर राकापा अध्यक्ष शरद पवार पर नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अघाड़ी सरकार में पुणे के मावल तहसील में पानी के लिए आंदोलन करने वाले किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। सही मायनों में मावल की घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसा था। फडणवीस ने कहा कि सोमवार को बंद के दौरान मुंबई में बेस्ट की बसों की तोड़फोड़ की गई। यह राज्य सरकार और मुंबई मनपा की मिलीभगत है। बॉम्बे हाई कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के बंद पर प्रतिबंध लगाया है। बंद के दौरान हिंसा के चलते हुए नुकसान की वसूली आंदोलनकर्ताओं से करनी चाहिए। फडणवीस ने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी के सत्ता में आने के बाद अभी तक राज्य में 2000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राज्य में अलग अलग आपदा में प्रभावित किसानों को अभी तक मदद नहीं मिल पाई है। सरकार में थोड़ी भी शर्म बची है तो किसानों को पहले मदद घोषित करे। फडणवीस ने यह भी कहा कि देश के इतिहास में मंत्रिमंडल का इतना ज्यादा दुरुपयोग किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना की दशहरा रैली सायन के षणमुखानंद हॉल में आयोजित होगी। शिवसेना पक्ष प्रमुख तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मौके पर शिवसेना के नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, देश को एक नई दिशा देने का भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है कि रैली का आयोजन भले ही हॉल में किया गया है, लेकिन जोश और उत्साह पहले की तरह रहेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के संकट से पहले साल 2019 तक शिवसेना की पारंपरिक दशहरा रैली का आयोजन दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान में होता आया है। कोरोना के चलते पिछले साल 2020 में शिवसेना ने शिवाजी पार्क मैदान के बजाय ऑनलाइन दशहरा रैली का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री ने पिछले साल 25 अक्टूबर को दादर के वीर सावरकर स्मारक के सभागार में शिव सैनिकों को ऑनलाइन संबोधित किया था। इस साल कोरोना की स्थिति थोड़ी नियंत्रण में होने के चलते शिवसेना ने दशहरा रैली का प्रत्यक्ष रूप से आयोजित करने का फैसला किया है। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा का मानना है कि शादी समारोह में घोड़ी का उपयोग करना अपमानजनक और क्रूर है। पेटा के इस ट्वीट पर बवाल शुरू हो गया है। उधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी फर्जी आईडी के साथ दिल्ली में रह रहा था। इसके आकाओं की साजिश दिल्ली दहलाने की थी। इसी बीच एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि मात्र 5 से 10 हजार रुपए में बांग्लादेश भारत बॉर्डर पार कर डकैत देश में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ आने के बाद वे रेकी कर घरों में डाका डालते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने द रेजिस्टेंस फोर्स और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर और अन्य संगठनों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। नवरात्र में गरबा की धूम है, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में कुछ पंडालों के बाहर वीएचपी नेता ने पोस्टर लगवाए हैं। उन पोस्टरों पर लिखा है कि गैर हिंदू को गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। इसे वे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। घोड़ी पर सवार दूल्हे के लिए जीवन का यह एकमात्र अवसर होता है। परिजन फूले नहीं समाते, बैंड बाजे के साथ बाराती खुशी में नाचते झूमते हैं। अब इस पर पेटा की नजर पड़ी है। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा का मानना है कि शादी समारोह में घोड़ी का उपयोग करना अपमानजनक और क्रूर है। पेटा की इस ट्वीट पर बवाल शुरू हो गया है। ट्विटर पर ट्रेंड करते ही कुछ लोगों ने पेटा को एंटी हिंदू बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि पेटा पर बैन लगा देना चाहिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पेटा के ट्वीट पर इस तरह के सवाल उठे हैं। पेशे से पत्रकार राहुल रोशन ट्विटर पर पेटा को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं, एक ऐसे युग में जब दलित दूल्हे भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे भी घोड़ी की सवारी करेंगे, पेटा अब ये शिगुफा लेकर आया है। क्या पेटा गुप्त रूप से ब्राह्मणवादी है? उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस नेता उदित राज को टैग भी किया है। बहरहाल जानवरों के साथ क्रूरता रोकने के उद्देश्य से पेटा गाहे भगाहे ट्वीट करता रहता है और लोग भी अपने हिसाब से पेटा की क्लास लगाते रहते हैं। कुछ महीने पहले पेटा ने अमूल को वीगन मिल्क पर स्विच करने का सुझाव दिया था। तब अमूल ने कहा था कि विदेशी फंड से चलाए जा रहे एनजीओ को भारतीय डेयरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने से बाज आना चाहिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी फर्जी आईडी के साथ दिल्ली में रह रहा था।
गिरफ्तार आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल के साथ एक एक्स्ट्रा मैगजीन व 60 राउंड गोली, एक हैंड ग्रेनेड, 50 राउंड गोली के साथ दो अत्याधुनिक पिस्टल जब्त की गई है। आतंकी की पहचान मोहम्मद अशरफ अली के रूप में हुई है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। खबर है कि यह नेपाल के रास्ते भारत पहुंचा था और दिल्ली में अली मोहम्मद नूरी के रूप में नाम बदलकर रह रहा था। बताया जा रहा है कि आतंकी अशरफ अली को ISI ने दिल्ली समेत भारत के अन्य हिस्सों में हमले के लिए ट्रेनिंग दी थी। उसके पास से फर्जी भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। अभी 3 दिन पहले ही दिल्ली में फेस्टिव सीजन के दौरान आतंकी हमले के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट किया था। दिल्ली पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि फेस्टिव सीजन में आतंकवादी हमला हो सकता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने शनिवार को पुलिस के टॉप अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। आतंकी हमले का इनपुट के मिलने के बाद अलर्ट भी किया था। इस गिरफ्तार आतंकी के संपर्क सूत्रों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। मात्र 5 से 10 हजार रुपए में बांग्लादेश भारत बॉर्डर पार कर डकैत देश में दाखिल हो रहे हैं। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। सूत्रों के अनुसार डकैत पहले एक नदी पार करते हैं, इसके बाद 24 परगना पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास मौजूद लोग 5 से 10 हजार रुपए लेकर इन्हें भारत में प्रवेश करा देते हैं। यह गिरोह रेलवे लाइन के पास भी मौजूद घरों को ही अपना निशाना बनाते हैं। यूपी के लखनऊ स्थित चिन्हट में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए डकैतों शेख रुबेल उर्फ रबीउल आलम उर्फ अल अमीन उर्फ रबीउल ने पूछताछ के दौरान ऐसी कई अहम जानकारियां पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि गैंग में 8 से 9 सदस्य रहते हैं। अधिकतर कूड़ा बीनने वाला व उठाने वाला बनकर रेकी करते हैं। आरोपियों ने बताया कि वह हर डकैती के बाद मिले रुपए और जेवरात किसी एक साथी के हाथ बांग्लादेश भिजवा देते हैं, जिससे कि पकड़े जाने की स्थिति में रुपए और माल बरामद न हो। यह गैंग नेपाल में भी डकैती की कई वारदात कर चुका है। भारत में उनका गैंग केरल, बेंगलुरु, बिहार, दिल्ली और यूपी को अधिक टारगेट करता है। आरोपियों ने बताया कि गैंग का सरगना बांग्लादेश स्थित खुलना निवासी हमजा है, वह फरार है। पुलिस इनसे और राज उगलवा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने द रेजिस्टेंस फोर्स और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर और अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं। हाल ही में कश्मीर घाटी में नागरिकों और अन्य लोगों पर हुए आतंकवादी हमलों में द रेजिस्टेंस फोर्स का हाथ बताया जा रहा है और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स इसे मदद करते रहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि यही लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों की घाटी में दहशत फैलाने में मदद करते रहे हैं। द रेजिस्टेंस फोर्स का गठन पाकिस्तान की सेना और ISI ने किया है। भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के बाद से पाक सेना ने यह साजिश रची है। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक यह संगठन लश्कर ए तैयबा का ही एक नया रूप है, जिसे नए नाम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में घाटी में हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी भी रेजिस्टेंस फोर्स ने ली थी। यही नहीं, जांचकर्ताओं का कहना है कि जून में 5.5 किलोग्राम IED मिलने के मामले में भी TRF का ही हाथ था। जम्मू के ही एयरफोर्स स्टेशन में हुए ड्रोन अटैक्स में भी इनका ही हाथ बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडालों में धूम है, लेकिन कुछ पंडालों के बाहर VHP नेता ने पोस्टर लगवाए हैं। उन पोस्टरों पर लिखा है कि गैर हिंदू को गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। VHP के इस पोस्टर का गरबा के आयोजनकर्ताओं ने भी समर्थन दिया है। आयोजक ने कहा है कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। वहीं VHP का यह पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। VHP का साफ कहना है कि हमने हर पोस्टर में लिखा है कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। कुछ धर्म विशेष के लोग आते हैं, हमारा उनसे सवाल है कि जब हिंदू लड़की गरबा करे तो वह क्यों आते हैं? अगर उन्हें गरबा से प्रेम है तो वह अपने घर से महिलाओं को भी गरबा खेलने के लिए ले आए, हम पहचान पत्र देख कर उन्हें रोकेंगे। सभी पंडालों में ऐसे पोस्टर लगाए हैं। इंदौर में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गरबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर आक्रोशित है। उनका कहना है कि गरबा के नाम पर लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर बैन लगा रखा है। इसमें कड़े सजा के भी प्रावधान है। प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवा कर विवाह करने या करवाने वाले को 1 से 10 साल तक की सजा और अधिकतम 1,00,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोरोना को लेकर कोहराम जारी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि मध्यम और गंभीर रूप से कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को COVID-19 बूस्टर शॉट्स की पेशकश की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग उच्च जोखिमों में रहते हैं। उधर ब्रिटेन में एक रिपोर्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समय रहते कोरोना पर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही, जिसके कारण अधिक मौतें हुई।
इस बीच रूस पर लगा आरोप गंभीर होता जा रहा है। ब्रिटेन में बनी ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ब्लूप्रिंट अपने जासूसों से चोरी करवाने और उसके सहारे सबसे पहले कोविड टीका बनाने को लेकर रूस कटघरे में है। इसके अलावा दो बड़ी खबरें अमेरिका से है। वहां के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो उपनगर में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इनमें दो लोगों की मौत हो गई, करीब 10 घरों में आग भी लगी। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में ही कॉन्डोम के यूज को लेकर कानून पारित किया गया है कि यदि पार्टनर की सहमति लिए बिना सेक्स के दौरान कॉन्डोम को हटाया गया तो ये गैर कानूनी होगा। दुनिया की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। कोरोना के मामले हालांकि अब पहले की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि मध्यम और गंभीर रूप से कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को कोविड-19 बूस्टर शॉट्स की पेशकश की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग उच्च जोखिमों में रहते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि चीनी सिनोवैक और सिनोफार्म निष्क्रिय वायरस टीकों की तीसरी खुराक 60 से अधिक उम्र वालों को दी जानी चाहिए, मगर इस व्यवस्था को लागू करते समय देशों को शुरू में उस आबादी में दो खुराक कवरेज को अधिकतम करने का लक्ष्य रखना चाहिए और उसके बाद सबसे पुराने आयु समूह में शुरू होने वाली तीसरी खुराक का प्रबंधन करना चाहिए। बता दें कि WHO ने पहले कोविड-19 बूस्टर खुराक पर वैश्विक स्थगन का आह्वान किया था, जिसका लक्ष्य विश्व स्तर पर टीकों के अधिक सामान वितरण के लिए हर देश को अपनी आबादी का कम से कम 40% टीकाकरण करने में सक्षम बनाना था। पिछले हफ्ते संगठन ने 2021 के अंत तक हर देश की 40% आबादी को कोविड-19 के खिलाफ और 2022 के मध्य तक 70% को टीका लगाने की पहल की घोषणा की। यह अभियान कम आय वाले देशों, विशेष रूप से अफ्रीका में वैक्सीन वितरण को प्राथमिकता देगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। पिछले 100 वर्षों की ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनकर सामने आई और इसने सरकारी मशीनरी की कलाई खोल कर रख दी। कॉमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी और हेल्थ एंड केयर कमेटी की ये रिपोर्ट 50 से अधिक गवाहों पर आधारित है। इसमें पूर्व स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक, कई वैज्ञानिक सलाहकार शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार का रवैया बहुत ही शिथिल रहा, जिसने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। लापरवाही के कारण शुरुआती दौर में मृत्यु दर बढ़ती चली गई और अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। जब कोरोना संक्रमण फैलते ही अन्य देशों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, तभी ब्रिटेन की सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 23 मार्च के बाद लॉकडाउन की घोषणा की। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई कमेटी ने भी गठन के 2 महीने बाद कोई बैठक की। इससे हालात बिगड़ते चले गए और मृत्यु दर बढ़ गई, जबकि ब्रिटेन में सबसे पहले कोरोना टेस्ट विकसित किया गया था। रूस पर ब्रिटेन में बनी ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ब्लूप्रिंट अपने जासूसों से चोरी करवाने और उसके सहारे सबसे पहले कोविड टीका बनाने का आरोप लगा है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रिटेन के मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि उनके पास ऐसे ठोस सबूत है जिससे ये साबित होता है कि क्रेमलिन के जासूसी एजेंटों ने कोविड वैक्सीन प्लान चुराया और फिर इसका इस्तेमाल अपने वैक्सीन बनाने के लिए किया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ब्लूप्रिंट फार्मा कंपनी के लैब का कोई कागज था या फिर अध्ययन के लिए तैयार की गई वैक्सीन की वायल। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूप्रिंट और संवेदनशील दस्तावेज रूस के जासूस ने खुद चुराए थे। सुरक्षा मंत्री डमियन हिंस ने हालांकि इन आरोपों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि साइबर हमले पहले से तेज होते जा रहे हैं। सूत्रों ने ये भी बताया कि हैकर्स ने मार्च 2020 की शुरुआत में यानी ब्रिटिश वैज्ञानिकों के वैक्सीन के लिए रिसर्च शुरू करने के ऐलान के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर साइबर हमले किए थे। क्रेमलिन के जासूसी एजेंटों की पोल खोल से रूस भी हैरान है, वह अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो उपनगर के रिहायशी इलाके में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा जिस मकान पर विमान गिरा उसके आसपास के करीब 10 घरों में आग लग गई, वहीं एक ट्रक समेत कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। घटना के बाद रिहायशी इलाके में चीख पुकार मच गई, लोग घरों से निकलकर बाहर भागने लगे। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मकानों से धुएं निकलने लगे और कुछ मकानों से आग की तेज लपटे बाहर आ रही थी। चारों ओर चीख पुकारे मची थी। जिस मकान में आग लगी थी उसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए थे। एक लड़की खिड़की पर चढ़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। एक पार्सल ट्रक में बैठा एक शख्स जिंदा जल गया। पार्सल कंपनी ने कहा कि हम अपने कर्मचारी के खोने से दुखी हैं और उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हादसे की पूरी जानकारी हासिल की जा रही है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में कंडोम के यूज को लेकर कानून पारित किया गया है कि यदि पार्टनर की सहमति लिए बिना सेक्स के दौरान कंडोम को हटाया गया तो ये गैर कानूनी होगा। इसके लिए मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान बनाया गया है। इस कानून को बनाने वाला कैलिफोर्निया सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला राज्य बन गया है। हालांकि इस कानून के बनते ही इस पर बहस भी शुरू हो गई है कि ये कैसे संभव हो पाएगा। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टिल्थिंग को गैर कानूनी बना दिया गया है। इस कानून के लिए यहाँ लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस कानून के लिए लंबे समय से लड़ाई करने वाली क्रिस्टिना गार्सिया ने विधानसभा में कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्टिल्थिंग न केवल अनैतिक है बल्कि अवैध भी है। डेमोक्रेटिक असेंबली की गार्सिया 2017 से इस तरह के कानून पर जोर दे रही थी। आखिरकार अब इस बिल को मंजूरी मिल गई है और इसे कानून बनाकर पारित कर दिया गया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के तहत सेक्स वर्कर्स भी अपने उन ग्राहकों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगी जो सेक्स के दौरान सहमति के बिना कंडोम निकाल देते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।